हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त यूनाइटेड 3 में मौजूद है और ये देख सकते हैं एएसआई हॉस्पिटल है जहां पर इस वक्त देख सकते हैं परिवार यहां पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, मुजस्सर का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर जो लड़की पक्ष है वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि उसकी लड़की को मारा पीटा गया है और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। परिवार जन यहां पर मौजूद है, जानते हैं क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, पूरी क्या हुआ था। 24 घंटे बाद हमें खबर दिए मारने के बाद। ये वो पूरी डिटेल बताइए, कहाँ पर शादी हुई थी, क्या हुआ था, आपको कैसे सुना? इंदिरा कॉलोनी फाटक मुजेसर, वहाँ से मेरी बेटी ब्याह है मुझे फतेहपुर गांव सीख रही है, जो डीग फतेहपुर, वहाँ पे डीग फतेहपुर उसमें मेरी बच्ची बिहाई है। अभी 18 तारीख को मेरी बेटी ले गए, कह रहा चल रही ना, पहले बच्चा भी ले गो खींच के, अभी एक महीना डेढ़ महीना पहले बच्चा भी ले गो खींच के, बच्चा भी ले गो खींच के। मेरी बच्ची जब भी रोई फोन कर करके वो बहलमगढ़ पहुंची, वहां पहुंची है फिर भी। उसके बाद अभी 18 तारीख को मेरी बेटी गई, कितनी बार मारी है, वीडियो देखोगे आज से 2 साल पहले की भी वीडियो हैगी। मैं अभी भी वो घर जाना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती लेके गया था उसको, अभी भी लेने आए थे उसको, तो उसका देवर उसका घर वाला पी के आए थे, दारू पी के आए थे। वो गई फतेहपुर तो ले जाके डूंसा में मारी है, सबूत मिटाने के लिए डूंसा गांव में मारी है, दूसरे गांव में जाके मारा, मतलब उसको लेके गए थे पहले वहाँ पे लेके, जबरदस्ती लेके गया था यहाँ से, जबरदस्ती लेके गया था उसे यहाँ से, लड़का जबरदस्ती लेके गया था उस गांव में, तो गांव में कोई रहता हो, क्यों लेके गया था? उसका देवर आया था उसकी और उसका हस्बैंड आया था और दारू पी रखी थी उन्होंने जब लेने के लिए आए थे, और जबरदस्ती लेके गांजा भांग दारू सब पीता खूब मारता है, उनके घर में सब दारू वारू सब पीते हैं, और मिलके मेरी बहन मारी थी, देवर जेठ सबने मिलके मारी थी ससुराल वालों ने। क्यों मारी, अब कैसे बार हो जाएगा, देवर जेठ जिठानी सबने मारी थी। तो शादी कब की थी आप लोगों ने? 18 मई को शादी करी मैंने, 4 साल हो गई 18 मई को, अभी 5वीं 18 मई तक मेरी बेटी की लगी है। मैं बोली मम्मी मेरा मन ना कर रो जाने को, मैंने की बेटा चली जा, तू कुछ बड़ा हो जा दूध छूट जाएगा, मैं पाल लूंगी, तू नौकरी करके तू ड्यूटी कर लीजो। कह रही मम्मी मैं ड्यूटी कर लूंगी पर यू ना कमा के खवाए, यू कमा के ना खवाए गो, छोटा सा लड़का उसका 9 महीने का, उसके लिए भी कह रहे 9 महीने का बच्चा भी चाबी है, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके 9 महीने का उसका बच्चा भी उसे भी नहीं दे रहे, और वो प्रेग्नेंट भी थी, तो मतलब एक तरीके से प्रेग्नेंट महिला मरी मारी गई है, प्रेग्नेंट 9 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का होगा, 1.5 या 2 महीने का, मतलब 1.5 महीने का बच्चा भी था पेट में, तो कैसे मारा, गला घोट के मारा, कैसे मारा, कैसे उसके सर पे वार करा, उसके पे किसी से वार किया, मतलब ये हमें नहीं पता मैडम। आप लोग को किसने बताया कि उसको पहले गांव लेके गया फिर मारा? हमें पता नहीं, फोन भी आया किसने, किराए पे लेके गया था, माँ कमाएंगे खाएंगे, तो जैसे गई है दूसरे दिन खबर आ गई है कि छोरी गिर गई है, दूसरे दिन 4:30 एक मिनट परिवार से दूर जाता है, कहता है किराए पर रहेंगे साथ में रहेंगे, उसके बाद वहाँ ले जाकर क्या होता है? न्यूज खबर आई है रात को 10 बजे आई है, गिरी है 8:30 बजे, और बोल दो कि टेम्पू भर के लेके आ, और मेरे को बुला रहे बाद में फोन करो इतवार को ही, जिस दिन मेरी बेटी गिरी है करे टेम्पू भर के आ जाइए उसकी मामी मामी ने, और जो दूध पिलाती है उन्होंने बुलाया कि लाके मार दे इसको, बताऊं जब वो उनको गिराया गया था कि गिरी थी, वो खुद पैर झूठ बोल रहे हैं, कुछ मारा है उसके, कभी कुछ बदलता, कह रहा मोबाइल से गिरा मारा उसको, एक सीढ़ी से गिर के इसको ये चोट लगी, और उसके कुछ यहाँ ऐसा चीज मारा, हथौड़ा वथौड़ा कुछ भी मारा, नहीं मरती है बच्चा कोई भी हो, एक सीढ़ी से नहीं मरता, कुछ मारा उसके, रात भर पड़ी रही है बेहोश को हमारी मरी हुई, एक एक करके बोले क्या उसका फर्जी दिखाने का, जो रात को उसे दिखाने के लिए नहीं लेके गया, रात भर वो पड़ी रही। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि कैसे क्या हुआ? और जबकि हमने अपनी बहन को फोन दे रखा बात करने के लिए, वो फोन भी खुद ले लेता, उसे छीन लेता फोन को भी, जियो की देता घर पे, वो 96 54 पता ना कौन सा 990 मेरा फोन है, फोन भी उसपे नाक कान के सारे उतार के मेरी बेटी के अपने पहले में साहब, मैंने अपनी अपनी वाइफ को फोर्स करता था हमारी बेटी को कि अपने घर से पैसे लेके, 20,000 रूपए भी दे रखे उसको, 15,000 तो 3-4 साल पहले एक बार दिए थे उसको, 20,000 रूपए, मतलब किस लिए पीड़ित किया जाता था, सिर्फ दहेज के लिए या फिर कुछ और? कितनी उम्र थी लड़की का, नाम क्या था? पूजा, पूजा नाम था, उम्र कितनी ऐसी होगी होगी
25-26 साल की थी। तो मतलब 4 साल पहले शादी थी, तो पहले से ही मारना पीटना होता था, पीड़ित करते दारू सब करता है। पर हमें ये नहीं पता था कि दारू वाला। लड़की की फोटो है आपके पास? जिंदगी की फोटो दिखाइए। ये दे सकते हैं, मुजस्सर का ये मामला है जहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की को दहेज के चक्कर में उसका हस्बैंड जो उसको लेके जाता है गांव से दूर, फैमिली से दूर,